जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक से ज्ञान सागर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप लोग को यह वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। दोस्तों, मैं एक कमेंट देख रहा था आज, उस कमेंट में एक भाई जी ने पूछा था कि यदि कोई व्यापार बंधन कर दिया है और व्यापार नहीं चल रहा हो तो उसके लिए कोई सटीक उपाय हो जो तुरंत कार्य करे और एक प्रयोग करते ही वह कार्य हो जाए, बंधन यदि कोई किया कराया है तो वह हट जाए। तो इस संदर्भ में उन्होंने पूछा था, तो साथ ही साथ उनके लिए यह वीडियो है, यह जानकारी है और साथ ही साथ जो दर्शक बंधु इस समय देख रहे हैं आप लोगों के लिए है। कई प्रकार होता है, कोई व्यक्ति कोई अच्छा सा कोई दुकान कर लिया, कोई गैरेज खोल लिया, कोई ऑटो सेंटर खोल लिया, कोई भी काम हो अच्छा से अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए खोल लेता है, वो अच्छी तरह से उनके पास पैसा आने लगता है तो दूसरों को जो है वो पसंद नहीं आता है, जिससे जो है जो जानते हैं तंत्र प्रक्रिया वो तो कर देते हैं, जिससे कि जहाँ पे 1000 रुपया अगर कमाई हो रहा हो वो जो है घट करके कम होने लगता है, बल्कि 1000 रुपये इनकम की जगह वो 500-200 होता है, ऐसा हो जाता है कि वो माइनस में चला जाता है कि हम दुकान चलाएं, अपना कारोबार करें कि हम बैठ जाएं, इस तरह से हालात हो जाता है। तो इस तरह से अचानक बदलाव यदि कोई किया कराया है या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा की वजह से हो रहा है तो आपको यह प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि यह आर्थिक समस्या आपको दूर हो सके, आपका कारोबार बंदी से यदि कोई किया है तो खुल सके। इनके लिए आपको जो मैं सामग्री कहूँगा वह सामग्री आप किसी तरह से ढूंढ करके लाएं, क्योंकि इसमें जो सामग्री बताने वाला हूँ वो आपको आवश्यक है उसको लाना, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं है। इसमें यदि कोई बंदिश कर दिया हो, चाहे तांत्रिक प्रक्रिया से क्या हो या कोई शक्ति भेज करके कैसे भी हो, यह प्रयोग करने के बाद में वह बंधन खुल जाएगा यदि कोई किया कराया है तो। और ऐसा नहीं कि प्रयोग करने के बाद में पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा की वजह से यदि आपके कारोबार बंदिश हो गया है या कोई किया कराया कर दिया है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इनके लिए आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको जहां पे बरगद और पीपल दोनों आपस में जुड़े रहते हैं वैसा पेड़ आपको ढूंढ लेना है, बरगद और पीपल एक साथ जुड़े हों तो देखना, उसमें एक बर्रो होता है जिसका लटा बोझ बोलते हैं, जो ब्रह्मदंडी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एक जड़ लटकता है, वह आपको हो। और पीपल में भी होता है लेकिन पीपल में लटकता नहीं हो, उसी में चिपका हुआ होता है। और साथ ही साथ ऐसा पेड़ हो और उसमें जो धागा बांध दिए रहते हैं वह धागा वह उसमें होना चाहिए। आपको एक दिन पूर्व नारियल, 5 अगरबत्ती और फूल पानी लेकर के आपको जाना है, निमंत्रण देना है कि मैं आपको अमुक दिन ले आऊंगा, आप सहायता कीजिए। आपको कह देना है सोमवार के दिन जाना है, आपको कह देना है। और उसके बाद में मंगलवार के दिन आपको 4 नींबू आपके जहां पे दुकान बने स्थल है वहां पे चारों कोनों में रख देना है, सोमवार को निमंत्रण देना है, बस उतना ही कर देना। मंगलवार के दिन होगा तो आपको चारों कोनों में 4 नींबू रख देना है और उसके बाद में उसको अगले दिन सबको इकट्ठा कर लेना है वो मंगल नींबू को। बुधवार के दिन आपको कहीं से एक फल ले आना है, चाहे नारियल हो, अमरूद हो, सेब हो, कोई भी हो, उसको उनमें छेद कर देना है, बीच में उस फल में छेद करना, उसमें मिश्री, शहद ये सबको मिला लेना है, उसमें डाल देना है उस फल में, चाहे नारियल हो, सेब हो, सेब सबसे उत्तम होता है, सेब हो गया, नारियल भी ठीक है, उसको तोड़ करके उसमें भर दें। और उनको और 4 नींबू को आपको ले जाना है और जहाँ पे 4 रास्ता होता है वहाँ आपको संध्या काल को जाना है और वहाँ पे छोड़ करके चले आना है। यह हो गया बुधवार के दिन। अब गुरुवार के दिन आपको उस जो निमंत्रण दिए हुए बरगद और पीपल का है वहां पे आपको जाना है सुबह
आपको आते देखे जाते देखे, लेकिन आपको यह निकालते हुए ना देखे, तोड़ते हुए उसको। आपको एक झटका में एक ही बार में तोड़ लेना है, बरगद का और पीपल का दोनों को उसी धागा से लपेट लेना है और पीला कलर के कपड़ा में उसको बांध देना है। बांधने के बाद उसको ले आना है। लाने के बाद उस पर होम धूप दे दीजिए, अगरबत्ती जलाकर उसका धुआं है उसको दिखा दीजिए और उनको एक घर में स्थापित कर दीजिए। साथ ही साथ उसी दिन दो नींबू लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और उसको चावल लीजिए और भभूत हो सके तो भभूत मिला दीजिए और उसके बाद उस नींबू को निचोड़ दीजिए। आगे जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको निचोड़ देना है और उस चावल को उस नींबू के रस को उस चावल में पूरा भिगा देना है। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा बंधन लगा देना है, थोड़ा सा लगाने के बाद उसको मिला दीजिए और मंत्र पढ़ते हुए उस स्थान पे छिड़क दीजिएगा। तीन बार मंत्र पढ़ेंगे छिड़कते समय, तीन बार, पांच बार या सात बार, सम आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद एक और प्रयोग होता है, इतना में आपका बंध यदि कोई क्या कराया हो बंधन वो टूट जाएगा या प्रयोग करने के बाद में। एक और प्रयोग होता है इसमें, यदि कोई बंधन बहुत कड़ा कर दिया कोई तांत्रिक प्रक्रिया से कोई विशेष करके, तब आपको अपने दुकान में जा करके एक दिन कुम्हड़ा होता है जो सफेद होता है, रखिया भी बोलते हैं कोई लोग, उनमें आपको लेना है और अनार की कलम ले, अनार की डंडी उसको लेना है और अपने स्थान में उससे जिस स्थान में करना है वहां पे बैठ जाना है। पूरा दिशा पर आपको मुख रहेगा, लाल कलर का आसन में लेकर के बैठना है और जो मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र को उस कुम्हड़ा में लिख देना है। लिख करके आपको वहां रख देना है सात दिन, सात दिन तक रखे रहना है और रोज प्रतिदिन वहां दीपक जलाना है। और जैसे कि उसको प्रयोग करना है मंगलवार या शनिवार के दिन, तो मंगलवार को आरंभ करता है अगले मंगलवार को उसको विसर्जन करना रहता है और शनिवार को करता है अगले शनिवार को। जब सात दिन हो जाए तो उस कुम्हड़ा को लेकर के उसे ऊपर में कपूर को जला करके बंगला पान लौंग इलायची साथ में और मिठाई लेकर के जो भी यहाँ परेशानी है इसमें स्थापित हो जाए, इस तरह स्थापित हो जाए, जो भी बाधा है हे माता काली इसको सबको लेकर चलो, हमारे हमारे परिवार को हमेशा रक्षा करना, जन ही जन कल्याण हो, हमारा व्यापार, हमारा बुद्धि, हमारा धन वैभव बढ़े, इस तरह आपको बोलना है और जो भी परेशानी उनको ले जा करके उस एकांत स्थान में छोड़ देना है, फिर चौरास्ते में छोड़ देना है। इतना बस कर दो, कोई भी घातक से घातक यदि बंधन किया हुआ अगर आर्थिक स्थिति में रुकावट हो रही हो तो यह बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि कुम्हड़ा एक इंसान के बलि के समान माना जाता है तंत्र के जगत में। इसलिए इसको प्रयोग को या दो मैं प्रयोग बताया हूँ, कुम्हड़ा वाला अलग है और जो मैं आपको पहले प्रयोग बताया हूँ वो अलग है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, जय काली काली महाकाली, खप्पर में खून पिए, इक्कीसो माता तोला बुलाओ, चंदन पिढ़ुलियों में बैठाए, करो आरती जसला तोर गाँव, सरस्वती के बहनी लक्ष्मी होबे प्रसन्न, देवे दर्शन कहे कुबेर महाराज, जय बोलो लक्ष्मीपति की जय। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का प्रयोग करना है। दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आसानी से कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय महाकाल।